Hello and welcome to Priyag Career Institute's English class. यह video remedial grammar के लिए है. Remedial grammar का आज का topic है the forms of verb be and have in different tenses. एक ordinary verb की simple present tense में form होती है first form of the verb plus s or es. एक प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में ऑर्डिनरी वर्ब की फॉर्म होती है एम इज और आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑर्डिनरी वर्ब की फॉर्म होती है हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तब यह प्रश्न उठता है कि बी और हैव की इन टेंसेस में क्या फॉर्म्स होती हैं और इसी तरह दूसरे टेंसेस में भी इनकी फॉर्म्स क्या होती हैं. आइए जानते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव प्लस नाउन की फॉर्म होती है हैज और हैव प्लस नाउन. ही हैज अ बुक, यू हैव अ फोन. ये दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि इनमें वर्ब्स का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया गया है. इसी तरह बी प्लस नाउन की सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म होती है इज, एम और आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव. अर्थात यदि किसी सेंटेंस में इज, एम और आर प्लस नाउन और एडजेक्टिव के फॉर्म में कोई बात कही गई है तो वह सेंटेंस या उस सेंटेंस में आई हुई वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ही इज माई फ्रेंड. ये तीनों ही सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. यहां पर यह बात हमको समझनी चाहिए कि कोई भी सेंटेंस किसी न किसी वर्ब के साथ जरूर प्रयोग किया जाता है या लिखा जाता है. अर्थात बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता. यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो फिर उसे फ्रेज कहा जाएगा, वह सेंटेंस नहीं हो सकता. कोई भी फ्रेज सेंटेंस तभी बनता है जब उसमें कोई ना कोई वर्ब होती है. और जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ब होती है तब उस वर्ब का कोई ना कोई टेंस जरूर होता है. बिना टेंस के कोई भी वर्ब नहीं होती है. अर्थात कई बार कुछ बच्चे इज, एम, आर प्लस नाउन को यह समझ लेते हैं कि यह सेंटेंस की ऐसी फॉर्म है जिसमें कोई टेंस नहीं होता है. तो यह नहीं समझना चाहिए या सीखना या ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है तो वह वर्ब किसी न किसी टेंस में जरूर होगी. जैसे कि यहां पर इज, एम और आर का जो इन तीन सेंटेंसेस में प्रयोग किया गया है यह प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. इस तरह से दूसरे अन्य सेंटेंसेस में भी अगर इज, एम, आर प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव का, जैसे मैं कहता हूं दिस रूम इज बिग, यह सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा या बोला गया है. नेक्स्ट पॉइंट में द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ हैव इज, एम इज आर प्लस हैव प्लस आईएनजी और उसको हैविंग भी कह सकते हैं. अर्थात इज, एम और आर प्लस हैविंग. लेकिन इस कंस्ट्रक्शन में यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अर्थ सिर्फ रिसीविंग, टेकिंग, एक्सपीरियंसिंग, enjoying, eating, इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है. have plus noun का present progressive tense की form में is, am, are, having plus having के रूप में सिर्फ receiving, taking, enjoying, experiencing, getting इन्हीं अर्थों में इसका प्रयोग होता है. इसका प्रयोग कभी भी ओनरशिप, रिलेशनशिप या कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए हैज और हैव का यूज
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल शी इज हैविंग अ बाथ. शी इज हैविंग अ बाथ मीन्स शी इज टेकिंग अ बाथ, शी इज एंजॉइंग अ बाथ और शी इज एक्सपीरियंसिंग अ बाथ. बट यहां केवल यही अर्थ होगा. इसी तरह से वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स. वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स मीन्स वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स या फिर वी आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स, यानी हम बहुत सारी कठिनाइयों का को महसूस कर रहे हैं, कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं. या शी इज हैविंग अ बाथ मीन्स वह नहा रही है. इस अर्थ में ही हम यहाँ हैव का प्रयोग हैज इज एम आर प्लस हैविंग के अर्थ में हम कर सकते हैं. रिलेशनशिप ओनरशिप दिखाने के लिए नहीं. हम ऐसे नहीं कह सकते ही हैज अ ब्रदर, उसको हम ऐसे नहीं कह सकते ही इज हैविंग ए ब्रदर, ऐसे हम यह सेंटेंस नहीं कह सकते. या दिस एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक. दिस एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक को हम ऐसे नहीं कह सकते दिस एलिफेंट इज हैविंग अ लॉन्ग ट्रंक, ऐसे भी हम इस सेंटेंस को नहीं कह सकते. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, यानी इसका ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव प्लस नाउन होती है हैज और हैव प्लस हैड प्लस नाउन. फिर से सुनिए, हैव प्लस नाउन की परफेक्ट फॉर्म होती है हैज और हैव प्लस हैड प्लस नाउन. एज फॉर एग्जाम्पल I have had a lot of calls today. I have had a lot of calls today means I have received a lot of calls. He has had a lot of opposition. He has had a lot of opposition means he has experienced a lot of opposition. I have had rice and pulse for lunch. I have had rice and pulse for lunch means I have taken rice and pulse for lunch. यहां भी present perfect tense में भी have plus noun की जो form होती है has or have plus had plus noun, इसका अर्थ भी taken, received, experienced, enjoyed इसी अर्थ में लिया जाता है, या eaten इसी अर्थ में लिया जाता है. इसका अर्थ possessive case अर्थात ownership या relationship या कोई characteristics को दिखाने के लिए इसका प्रयोग यहां भी नहीं किया जाता है. इसी तरह से the present perfect form of be is has been or have been. यहां has been और have been plus noun का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है वह कुछ था पास्ट में लेकिन अब नहीं है, ऐसा इसका अर्थ लगाया जाता है. As for example, I have been a monitor for 9 months. I have a monitor for 9 months means I was a monitor for 9 months. But now I am not a monitor. मैं एक monitor 9 महीने के लिए मैं एक monitor था लेकिन अब मैं monitor नहीं हूं. मैं 9 महीने के लिए monitor था लेकिन अब मैं monitor नहीं हूं. I have been a monitor for 9 months. In the same way, they have always been kind to me. They have always been kind to me suggests that he was kind to me. वो मेरे लिए दयालु भाव रखते थे, मेरे लिए हमेशा दयालु थे और अब भी दयालु है. चूंकि इसमें always आया है तो always present को भी connect करता है, इसलिए always में यह meaning आता है. Otherwise दूसरी अगर always नहीं है या present time को दर्शाता हुआ या दिखाता हुआ कोई adverb नहीं है तो उसका meaning सिर्फ यही होगा कि मैं था past में लेकिन अब नहीं है या अब नहीं हूं, यही मीनिंग होगा. यह फॉर्म फिर से ध्यान दीजिए, यह जो मैंने सेंटेंसेस बोले हैं हैज और हैव प्लस बीन
प्लस नाउन और एडजेक्टिव की फॉर्म के लिए ये सेंटेंसेस का प्रयोग मैंने किया है और यह बी की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है। बी प्लस नाउन की प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है जिसमें मैंने कहा आई हैव बीन ए मॉनिटर, दे हैव ऑलवेज बीन काइंड टू मी, ही हैज बीन माय नेबर, यू हैव बीन माय टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, he has been my friend, he has been a manager of my company। इस तरह से ये सब sentences ये दिखाते हैं कि एक बार में जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं वह कुछ था लेकिन अब नहीं है। इसी be plus noun की present perfect form में जो अगला use होता है वह इस प्रकार भी होता है, has or have been प्लस टू प्लस प्लेस नेम, ऐसे भी यूज होता है। तो यह भी बी का ही प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में एक प्रयोग है। इसमें हम हैज और हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस प्लेस नेम के साथ इसका अर्थ यह होता है कि सब्जेक्ट कहीं गया था और वहां से वापस आ गया, अब वहां पर नहीं है। हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में हम कहते हैं मैं बाजार हो आया हूँ, मैं गंगा जी हो आया हूँ, मैं दिल्ली हो आया हूँ, मैं आगरा हो आया हूँ, तो इसी का ट्रांसलेशन भी इस सेंटेंस को कह सकते हैं। एग्जांपल्स आर आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा का अर्थ हुआ आई वेंट टू आगरा, आई केम बैक फ्रॉम आगरा एंड नाउ आई एम नॉट लिविंग एट आगरा दिस टाइम, आई एम लिविंग समवेयर और एट द प्लेस वेयर आई एम स्पीकिंग फ्रॉम। तो जिस जगह से मैं इस समय बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ इस समय मैं यहाँ पर रहता हूँ या रह रहा हूँ लेकिन आगरा में नहीं हूँ, मैं आगरा में गया था और आगरा से होकर के आ गया हूँ। ही हैज बीन टू लखनऊ, ही हैज बीन टू लखनऊ सजेस्ट he went to Lucknow, he came back from Lucknow and now he is living at some other place or he is living at the place where he is speaking from। यानी वह लखनऊ गया था और वह लखनऊ से वापस आ गया लेकिन अब वह लखनऊ में नहीं है, अब इस समय वह कहीं और रहता है या जहां से मैं बोल रहा हूं या जहां से वह बोल रहा है अब इस समय वह वहां रहता है। तो इसी तरह से has और have plus been का एक दूसरा भी यूज है, जहां हमने टू प्लस प्लेस नेम यूज किया वहीं पर has और have plus been plus in और at यानी टू की जगह पर प्रेपोजिशन चेंज करके अगर हम in और at लिख देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। यह फॉर्म तो be plus noun की ही रहती है लेकिन इसका अर्थ चूंकि यहाँ बी के बाद में हम और नाउन के बीच में प्रेपोजिशन लगा दे रहे हैं और प्लेस नेम लिख रहे हैं नाउन की जगह पर तो यहाँ इसका अर्थ बदल जाता है और अर्थ बदलने में इसका अर्थ हो जाता है कि ही लिव्ड देयर फॉर सम डेज और जो भी टाइम उसमें बताया हुआ है लेकिन अब वह वहां नहीं रहता है। ही वॉज लिविंग देयर और ही लिव्ड एट दैट प्लेस फॉर सम डेज लेकिन अब इस समय वह वहां नहीं रहता है, ऐसा इसका अर्थ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस इन और एट प्लस प्लेस नेम, जैसे ही हैज बीन एट माय होम फॉर 5 इयर्स, ही हैज बीन एट माय होम फॉर 5 इयर्स मींस ही लिव्ड एट माय होम फॉर 5 इयर्स बट नाउ ही डज नॉट लिव एट माय होम। He has been in Delhi for 5 years, means he lived in Delhi for 5 years, but now he does not live in Delhi. अब वह कहीं और रहता है। I have been in Shikohabad for 9 years. I have been in Shikohabad for 9 years means I lived in Shikohabad for 9 years, but now I don't live in Shikohabad. Now I live at some other place or at the place where I am speaking from. जहां से मैं अब बात कर रहा हूँ, अब मैं वहां रहता हूँ और अब मैं गाजियाबाद में, सॉरी शिकोहाबाद में
नहीं रहता हूं, अब मैं गाजियाबाद में रहता हूं। इसके बाद इसी तरह से आपका हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, एंड बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर, वॉज और वर बी का पास्ट फॉर्म होता है, एंड हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, मींस हैव प्लस नाउन का पास्ट फॉर्म होता है हैड प्लस नाउन, एंड बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर प्लस नाउन, और बी प्लस नाउन का पास्ट फॉर्म होता है वॉज वर प्लस नाउन। अर्थात यदि किसी सेंटेंस में वॉज वर प्लस नाउन आया है तो वह सेंटेंस की जो वर्ब है वह पास्ट टेंस में है, वह विदाउट एनी टेंस नहीं है। यह नहीं कहना चाहिए कि वह विदाउट एनी टेंस है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट ऑफ हैव प्लस नाउन एज इज हैड हैड प्लस नाउन। पास्ट परफेक्ट ऑफ हैव प्लस नाउन इज हैड हैड प्लस नाउन, एंड एज पर बी का जो पास्ट टेंस है, बी का जो पास्ट टेंस है दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस नाउन। फॉर एग्जाम्पल ही हैड बीन ए टीचर बिफोर ही मेट मी, और ही हैड बीन ए फैक्ट्री वर्कर बिफोर ही मेट मी, ही हैड बीन ए गून बिफोर ही मेट मी, मींस ही व्हेन ही मेट मी बिफोर मीटिंग मी या मुझसे मिलने से पहले वह फैक्ट्री वर्कर रह चुका था, या वह टीचर था, या वह बहुत बड़ा गुंडा था, इस तरह से इसका अर्थ होता है। इसमें मैं एक पॉइंट शायद जंप कर गया, कैन का प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, कैन चूंकि प्रेजेंट में होता है तो कैन का प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होता है हैज और हैव बीन एबल टू, हैज और हैव बीन एबल टू, ये प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होता है कैन का, एंड पास्ट टेंस की पास्ट फॉर्म होती है कैन की कुड, और या कुड के स्थान पर होता है वॉज वर प्लस एबल टू, एंड हैड में उसकी परफेक्ट में उसकी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से अगर कहेंगे भी तो हैड बीन एबल टू कहेंगे, कैन का अगर पास्ट परफेक्ट फॉर्म देखेंगे तो हैड बीन एबल टू हो जाएगा उसी का। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे उम्मीद है कि यह आज का लेसन आपको आपकी जानकारी में एक बहुत बड़ा आयाम जोड़ेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।